You got it. और इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है फाइंडिंग टू एरिया, जो रेगुलर फिगर हैं उनके एरिया तो अपन निकाल लेते हैं, जैसे एरिया ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू आई। रेगुलर फिगर्स के एरिया तो हमारे पास फॉर्मूले हैं, बट इरेगुलर एरिया है, फील्ड है, उसका एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन के द्वारा काम है। जैसे सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर से निकल जाता है, इससे भी निकालेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल फाइंडिंग टू एरिया ऑफ इरेगुलर फील्ड और रेगुलर फील्ड दोनों का है। और एक्चुअली है क्या इंटीग्रेशन, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये ए एक्स वेरिएबल एक्स है तो ए जीरो, यहाँ से जैसे ये एफ एक्स का कर्व खींच दिया हमने, ये एफ एक्स है, दिस इज फंक्शन एफ एक्स, और हमें एरिया निकालना है ए टू बी ए बी, ये रहा अपना ए टू बी, जीरो ए जीरो बी, इस कर्व का एरिया चाहिए। अभी कोई रेगुलर तो नहीं है, कोई रेगुलर कर्व नहीं है, ट्राइंगल नहीं है, क्वाड्रेटर नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, सर्किल नहीं है, इस तरह के एरिया फाइंड करने के लिए यूज होता है इंटीग्रेशन। और उसके लिए क्या करते हैं, जैसे ये लिमिट यहाँ से ए टू बी है, एक्स की लिमिट क्या है ए टू बी, ये दे रखी लिमिट ए टू बी, और यहाँ स्ट्रिप डालते हैं, ये तो एक्स है, एक्स का मिनिमम तो डी एक्स हो जाएगा, ब्रेड तो हो गए इसके डी एक्स, और ये क्या है इसका अकॉर्डिंग टू बाई एक्स इज बाई एरिया दिस स्ट्रिप, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, इसका एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड बाई इंटू डी एक्स। ऐसे यहाँ पे और डालें तो ये भी बाई इंटू डी एक्स, बाई इंटू डी एक्स तो कर्व ये जा रहा बाई बराबर एफ एक्स, बाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स को लिखेंगे यहाँ ए टू बी बाई डी एक्स, और बाई किससे मिलेगा इस कर्व से, इंटीग्रेशन करेंगे उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और रेस्पेक्ट टू बाई एक्सिस। अगर बाई एक्सिस से निकालना होता है इसका, अगर ऐसे बाई एक्सिस और यहाँ से परपेंडिकुलर डालते लिमिट होती जीरो से बी, लिमिट क्या होती इसकी यहाँ से यहाँ तक जीरो से बी, और स्ट्रिप कौन सी डलती, ये तो होता डी वाई, बाई एक्सिस पे जो छोटा सा पार्ट लेते हैं ना मिनिमम वो है डी वाई, और ये क्या होता है इसका एक्स, अगर ऐसे लेंगे तो जीरो टू बी एक्स डी वाई, एक्स एक्स जो सिंपलीफाई करेंगे बाई की फॉर्म होगा, तो इंटीग्रेशन कर देंगे लिमिट दे देंगे। तो कुछ कर्व मैं आपको बता रहा हूँ, एरिया ऑफ डिफरेंट कर्व, अपने पास जो भी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज ए कर्व, सर्किल इज ए कर्व, पैराबोला इज ए कर्व, और क्या होते हैं पैराबोला रे होता है ना एलिप्स, एलिप्स भी इज ए कर्व, सबका एरिया निकालेंगे, और वो होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो पहले तो कर्व के इक्वेशन आपको आने चाहिए, उनको ड्रॉ करना आना चाहिए, हर कर्व का यहाँ ग्राफ खींचेगा, उसकी लिमिट लेंगे, रफ स्केच ड्रॉ करेंगे, कैसा स्केच रफ, और वो आपको बता देता हूँ मैं कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले जो कर्व, कर्व है अपना सबसे पहले लाइन, और लाइन के फॉर्म क्या होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये लाइन। अब लाइन को का कर्व करने के लिए आप एक्स बराबर क्या लेंगे जीरो, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस सी एफ ऑन बी, तो पहला पॉइंट हो गया जीरो माइनस सी एफ ऑन बी, एंड बाई बराबर जीरो तो एक्स बराबर माइनस सी एफ ऑन ए, पॉइंट ए पॉइंट बी माइनस सी एफ ऑन ए कॉमा जीरो, ये हो गए। इन दोनों के एक एक्सिस पॉइंट होगा, दूसरा बाई एक्सिस पे होगा, और इनको ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ये ए माइनस सी एफ ऑन ए जीरो, और ये जीरो माइनस सी एफ ऑन बी, एरिया दिस कर्व, ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, बाई
डीएक्स लिमिट तो जीरो से माइनस ये पौने होगा, और बाई की वैल्यू किससे निकालेंगे, इस इक्वेशन ऑफ लाइन से, और इंटीग्रेशन इस लिमिट में लेंगे डेफिनेट में आएगा वो क्या होगा एरिया, और एरिया की यूनिट लगानी पड़ेगी हम स्क्वायर यूनिट। तो ये लाइन के लिए ग्राफ खींचने का तरीका, लाइन कोई भी हो एक्स वाई में जो लीनियर इक्वेशन है वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड है सर्किल, देखिए सर्किल के बारे में आपको सर्कल के इक्वेशन 11th में आपने पढ़े कितने टाइप के, व्हेन सेंटर इज एच के एक जनरल फॉर्म, तो सेंटर ऑफ सर्किल एच के रेडियस, रेडियस को आर भी ले सकते हो ए भी ले सकते हो, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्व टू ए स्क्वायर। तो सर्किल को सर्किल ड्रॉ करने के लिए हमें सेंटर चाहिएगा, तो गिवन सर्किल से सेंटर निकालेंगे इस फॉर्म में, तो एच के क्या हो जाएगा सेंटर, और जनरल फॉर्म को भी इस फॉर्म में बदल सकते हैं हम, और इसका जनरल फॉर्म देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अपनी बुक में नहीं है ये मैंने लिखा है, 11th की बुक में नहीं था, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल होगा और उसे हमें बने हमको करना है, अगर बन रखना बने यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, वैसे जनरली जहाँ से 3-3 हो तो 3 से डिवाइड कर देंगे, और अगर जनरल फॉर्म में है इक्वेशन ऑफ सर्किल तो सेंटर क्या होगा देखिए, जी जी एफ 1/2 इंटू कॉफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स के गुणांक कॉफिशियंट ऑफ एक्स का हाफ क्या है जी, कॉफिशियंट ऑफ एक्स, और एफ है 1/2 कॉफिशियंट ऑफ वाई, एक्स का कॉफिशियंट का हाफ तो जी होगा, कॉफिशियंट ऑफ वाई का हाफ क्या होगा एफ, सी कॉन्स्टेंट टर्म, सी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म, इससे जी एफ और सी की वैल्यू पता हो तो हम निकाल सकते हैं, सेंटर सेंटर होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, सेंटर क्या होगा माइनस जी माइनस एफ, एंड रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। रफ स्केच ड्रॉ करने के लिए सेंटर और रेडियस दोनों चाहिए, तो जनरल फॉर्म से आप इस तरह निकालेंगे, या तो जनरल फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, दोनों बता दूंगा मैं भी करके, और तीसरा जो है सर्किल का वो है जब सेंटर इज ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ सर्किल ये क्लियर हुआ कि नहीं, जनरल फॉर्म या कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल करने का इक्वल टू वन करने के बाद ही आपको एफ जी और सी की वैल्यू निकालनी है। और थर्ड है इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन सेंटर इज 0-0, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इफ सेंटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 0-0, तो एच इज इक्वल टू 0 एंड के इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सेंटर का है 0-0 ओरिजिन, तो ये तो सर्किल हो गया, लाइन सर्किल, अब पैराबोला, ये 11th में थे अपने, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट कर्व है पैराबोला थर्ड, पैराबोला फर्स्ट है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिस इज राइट पैराबोला,
अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स फॉर्म है तो आपको रफ स्केच ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, राइट पैराबोला, ये ओरिजिन से जा रहा है, चेक कर लेना ओरिजिन से जा रहा है कि नहीं, एक्स बराबर जीरो रखा तो वाई बराबर जीरो आ रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया और इसका ये फोकस, हिंदी बोलते नाभि, फोकस एफ इज इक्वल टू ए जीरो और ये लेटस रेक्टम नाभिलम ए बी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, तो ये कहलाता है राइट पैराबोला, बाई स्क्वायर बाय फोर एक्स और ये है ए बी जे लेटस रेक्टम, एफ इज फोकस, एफ इज फोकस, एफ इज इक्वल टू ए जीरो। सेकेंड है अपर पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई, ओरिजिन से ही पास होगा ये भी, रफ स्केच खींचना है, ये ओरिजिन से पास हो गया और ये इसका फोकस एफ इज इक्वल टू जीरो ए, फोकस होगा इसका जीरो ए, कंपेयर करके एक ही वैल्यू निकालना है, आपको कोई पैराबोला दे रहा है उसको इससे कंपेयर करेंगे तो उसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फोर ए इंटू एक्स कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर फोकस आ जाएगा जीरो ए और इधर ए जीरो, ये राइट पैराबोला या अपर, लेफ्ट और लोअर काम आते नहीं लेकिन फिर भी लिख देते हैं, पर थर्ड इसको सेकंड नाम दो, इसको ये थर्ड दे दो इसको, इसके लिए लेफ्ट आ जाएगा सेकंड में, लेफ्ट पैराबोला ये लेफ्ट पैराबोला का बाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स और इसका फोकस एफ इज इक्वल टू माइनस ए जीरो, फोकस होगा माइनस ए जीरो और फोर्थ है, फोर्थ है लोअर पैराबोला, लोअर पैराबोला और ये होगा अपना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई और यहाँ आ जाएगा इसका फोकस एफ इज इक्वल टू जीरो माइनस ए, ये दोनों पर बेस्ड कोई क्वेश्चन है नहीं लेकिन पैराबोला है तो इसमें फोकस एक ही वैल्यू फाइंड करने के लिए कंपेयर करेंगे, यानी जो भी जैसे याद ही रखा होगा आपको बाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स, बाई स्क्वायर टू एक्स राइट पैराबोला है, बस कंपेरिजन के लिए फोर चाहिए तो मल्टीप्लाई टू अपॉन टू, तो क्या आ गया फोर इंटू वन बाई टू एक्स, एक ही वैल्यू क्या हो जाएगी वन बाई, कंपेरिजन के लिए इस फॉर्म में ला के ही कंपेयर करना है और ना भी फोकस क्या हो जाएगा इसका वन बाई टू जीरो, फोर ए एक्स है वन बाई टू एक्स कर लो, कंपेयर करेंगे तो फोर ए एक्स ए बराबर वन बाई, ये चार पैराबोला है जिनमें दो ही काम आएंगे, राइट पैराबोला एंड अपर पैराबोला, एरिया के लिए जब कहेंगे, एक और चीज एरिया फाइंड करना है पूरे पैराबोला का करवाएंगे या फाइंड द एरिया पैराबोला बिटवीन एक्स एक्सिस एंड पैराबोला, तो ये होगा केवल ये, और एक सिमेट्री और बताऊंगा मैं आपको तो उसको अभी बाद में कर देंगे, सिमेट्री हो गया पैराबोला, पैराबोला के बाद है एलिप्स, एलिप्स के इक्वेशन दो टाइप के हैं, फोर्थ कर्व है अपना एलिप्स, सही है किस पहले अंग्रेज वालों से देखना एलिप्स किस पहले, तो यह ई डबल एल आई पी एस ई, एलिप्स, एलिप्स का जनरल फॉर्म है इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ए इज ग्रेटर देन बी,
तो यहाँ दो एक्सिस होती हैं, मेजर और माइनर एक्सिस। याद करिए इलेवेंथ क्लास, ये देखो एज ग्रेटर देन डी, तो इसके जो फोकस है वो एक्स एक्सिस पे होंगे फोकस। ये सिम ए बी, ए के कोऑर्डिनेट होंगे ए जीरो ए जीरो, और ए जीरो बी, ये माइनस ए जीरो ए डैश बी डैश होगा जीरो माइनस बी, और यहाँ आएगा इसका फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं एफ इज इक्वल टू एस, कह लो इसको एस, सी जीरो और माइनस सी जीरो एस डैश। और एक होता है इसेंट्रिसिटी, याद करिए उत्केंद्रता, हिंदी मीडियम वालों में क्या उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी इज इक्वल टू ए ई, इसेंट्रिसिटी लिख देता हूँ मैं ई सेंट्रिसिटी, ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए, देयरफॉर सी इज इक्वल टू ए ई। तो ये हो गए इसको बोलते अपन फोकस, फोकस की, तो फोकस एस को किसे प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, ए ग्रेटर देन, तो एक्स एक्सिस इज मेजर एक्सिस और वाई एक्सिस इज माइनर एक्सिस। ये क्या कहलाता है, मेजर एक्सिस और दिस इज माइनर। एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू है तो एक्स एक्सिस मेजर होगी, और सेकंड पोजीशन है इसकी सेकंड टाइप का, सेकंड टाइप एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर वन, या इसको ऐसे ले सकते हो आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जब बी ग्रेटर देन ए तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगी मेजर एक्सिस, फोकस लाइज ऑन द वाई एक्सिस, फोकस कहाँ होंगे ओ ए बी ए डैश बी डैश, ये तो होगा जीरो ए जीरो और ये जीरो बी, जीरो माइनस बी और माइनस ए जीरो, एंड दिस दे फोकस हो गए एस सी कॉमा जीरो कॉमा सी, और ये एस डैश जीरो माइनस सी। तो सी का मतलब वही सेंट्रिसिटी सी है ए ई के इक्वल। तो दो टाइप के एलिप्स हैं, जब मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड फोकस लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, पता किससे लगेगा, एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा बड़ी वैल्यू है, ए ग्रेटर देन बी देन मेजर एक्सिस, और वहाँ बी ग्रेटर देन ए तो बाई मेजर एक्सिस हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर साइन और कॉस के ग्राफ आपको आते ही ड्रॉ करना, तो और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल और वो भी निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक्स एफ एक्स इज इक्व टू साइन एक्स, अब साइन एक्स का ग्राफ बताइए आपको साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो, और साइन 90 की वैल्यू वन, तो वैल्यू क्या होगी साइन के बीच की, देखिए भाई माइनस वन और प्लस वन के बीच में होती है, तो ये ओ वन एंड माइनस वन। अब साइन के लिए बाई इज इक्व टू साइन एक्स, साइन जीरो इज जीरो, इधर पाई बाई टू पाई थ्री पाई बाई टू टू पाई, पाई बाई टू की वैल्यू वन, पाई की वैल्यू फिर जीरो साइन जीरो, थ्री पाई बाई टू माइनस वन टू पाई जीरो, ये हो गया इसका ग्राफ। ये गिवन होगा आपको कि एक्स कहाँ से कहाँ तक है, उसमें लेना मैंने जीरो से टू पाई लिया है, वो अगर के जीरो से पाई है तो आपको यहीं से लेना। और कॉस के लिए y इज इक्व टू कॉस एक्स, ये अब जीरो वन माइनस वन, कॉस जीरो की वैल्यू जीरो, y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ है, जीरो पाई बाई टू पाई पाई थ्री पाई बाई टू और टू पाई, पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है जीरो, पाई इज माइनस वन, थ्री पाई बाई टू जीरो, टू पाई प्लस वन, ये कॉस का ग्राफ है भाई।
जीरो से स्टार्ट होगा साइन, वहाँ वन से, और एक्स जो रेंज डोमेन है वो पता होगा आपको, दे रखा हो क्वेश्चन में एक्स कहाँ से कहाँ से जाए, उसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ खींचना है। अब दो चीज़ें और, एक्स एक्स के नीचे जो भी एरिया आएगा वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव के लिए हम जैसे इसका एरिया निकालेंगे ना, तो उसको पहले मोड लगा लेना, इंटीग्रेशन लिमिट है पाई से टू पाई, पाई से टू पाई, और एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। बिलो द एक्स एक्सिस एरिया, ऑल एरियाज आर नेगेटिव, एरिया नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे इसका मोड ले लेंगे। और दूसरी चीज़ है सिमेट्रिसिटी, लाइन ऑफ सिमेट्री जानते हो, लाइन ऑफ सिमेट्री हिंदी में बोलते हैं सममित रेखा, किसी फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री या सममित अक्ष। जैसे देखिए सर्किल, इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, क्या बोलते हैं इनको हिंदी में, क्या अक्ष को सममित रेखा, और ये क्या है दो, तो दोनों ऐसे सारी इनफाइनाइट होंगी इसकी, तो सेंटर से जाने वाली सभी लाइंस इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक्स एक्सिस एक्स डैश बाई और बाई डैश, एक्स एक्सिस भी इसको इक्वल पार्ट, आपसे आप जो कहते सर्किल का एरिया निकालो, तो पूरा सर्किल का एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, इसका एरिया निकाला जाएगा और उसको फोर टाइम्स कर देंगे, एरिया को पूरा नाम देंगे ओ ए बी ओ क्लोज फिगर, और इसका फोर टाइम तो शो करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्रति सममित है, सिमेट्रिक ऑफ अबाउट टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू फोर टाइम्स एरिया ऑफ, फोर टाइम्स एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, क्लोज पकड़ लेना हमें ओ ए बी ओ, इसको शेडेड कर देंगे, ये वाई और ये डी एक्स, लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, तो आपको अगर आधे का निकालना तो टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमेट्री का पता कैसे लगेगा, किसी कर्व में अगर एक्स स्क्वायर है तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट वो सिमेट्रिक होगा, देख ध्यान से सुन लेना, अब जैसे ये केवल एक्स स्क्वायर है तो किस बाई एक्सिस को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और कर्व में अगर बाई स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस दो में, जैसे और दोनों हैं तो दोनों एक्सिस करेंगे, पहचानने का तरीका बता रहा हूँ मैं, अब जैसे पाई बाई स्क्वायर वाला फोर एक्स पैराबोला है, इसमें बाई स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस इसको दो पार्ट में डिवाइड करें इक्वली, करेंगे नहीं पैराबोला, देखिए ये राइट पैराबोला है ये इक्वल पार्ट, और केवल एक्स स्क्वायर है तो 4a बाई कौन सा पैराबोला है अपर, तो बाई एक्सिस को दो में मार देंगे, और दोनों हैं सर्किल क्या हुआ इसका एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो दोनों एक्सिस को इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे, एलिस्ट में भी दोनों करेंगे, तो लाइन ऑफ सिमेट्री का पता किससे लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व से, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर होगा ही नहीं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, लाइन ऑफ सिमेट्री की पहचान बता रहा हूँ मैं, कोई कर्व को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करती है या नहीं, इसका पता उसके इक्वेशन से लग जाता है, इफ इक्वेशन ऑफ कर्व है बाई स्क्वायर, केवल बाई स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, और केवल एक्स स्क्वायर है तो बाई एक्सिस डिवाइड इक्वली टू पार्ट्स, तो पैराबोला बाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, तो एक्स एक्सिस या बाई स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स एक्सिस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो एक्स एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट ये इक्वली डिवाइड हो रहा है, इसमें बाई एक्सिस सर्किल में दोनों एक्सिस हैं तो इसलिए ये क्या हो जाए फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्किल, एलिप्स में भी ये फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्किल, कंप्लीट एलिप्स का इक्वेशन निकालना हो तो आप इसका एरिया निकाल के फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किसी भी एरिया को फाइंड करेंगे कर्व के को, उसको हमें शेडेड करना है और उसको नाम देना है क्लोज फिगर के रूप में, जैसे इसका एरिया क्या लिखेंगे, एरिया फील्ड ओ ए बी ओ, और फिर लिमिट का चेक ये करेंगे एक्स एक्सिस पर तो लिमिट होगी, कर्व कौन सा होगा बाई डी एक्स बाई डी एक्स बाई फ्रॉम गिवन द इक्वेशन, इक्वेशन से बाई के लिए सॉल्व करेंगे।